दोस्तों, इस वक्त मैं अपने कमरे में हीरो फ्लैश की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है उसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ। ये गाड़ी मैंने पुरानी सेकेंड हैंड खरीदी थी, तो इसको मैं बता दूँ, इसका हॉर्न भी चालू नहीं था ये, और इसके सारे वायर ये देख रहे हैं अच्छी तरह से ये कटे फटे पड़े थे। वो वायरिंग चूहों ने काटी थी या कैसे कटी थी समझ नहीं आया। पूरी वायरिंग ये मैंने खोल रखी है, और ये बैटरी ली है मैंने, बैटरी नहीं थी इस गाड़ी में, तो एक बैटरी ये खरीदी है। इसके साथ साथ ये कन्वर्टर के तार हैं, ये तो ये इसका एक्सीलेटर है। तो इसकी पीछे से बैक साइड जो है ये टूट रही है, जो ये बैक साइड दिख रही है आपको, ये टूट रही है। हीरो फिलेस की गाड़ी है, और इसको मैं जल्दी ही चालू कर दूंगा कल में। आज रात के इस वक्त 11:49 हो चुकी है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई फॉल्ट होता है कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गई बैटरी, ये बैटरी हो गई है, ये इसका मोटर को चालू करने के लिए कंट्रोलर है, और ये कन्वर्टर है। ठीक है, कन्वर्टर ये आपको दिख रहा है छोटा वाला वीडियो में, ये जो दिख रहा है मेरी उंगली के सामने, ये कन्वर्टर है और ये कंट्रोलर है। तो ये कंट्रोलर की वायरिंग सारी की सारी ये खुली पड़ी थी, ये मैंने चालू की है इसको। अब मैं आपको बताऊँ कि ये कल तक चालू हो जाएगी, और मैं अब स्कूटी ही बनाने का कार्य करूँगा। पत्रकारिता तो मेरा एक छोटा सा शौक रहेगा, और ये इसके ये पूरा खुला हुआ पड़ा है, ये इस वक्त मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कल तक ये सही हो जाएगा। इसमें पता क्या है, ये हीरो जो कि हीरो फ्लैश की गाड़ी है, यानी कि हीरो की जो गाड़ी है उसका ये पार्ट्स नहीं मिल पाता। ये नोज़ है, यानी कि इसकी नाक है, तो ये नाक में लेकर आया था कल मार्केट से, लाया एक ही पीस, पूरी दुकान के अंदर एक ही पीस पड़ा हुआ मिला था। तो ये 600 रुपये का सिर्फ ये दिया था, और ये इस पे फिट होगा, इसके बाद इस पे फिट होगा, ये इस पे, इस फ्रेम पे फिट होगा भाई, और ये फ्रेम यहाँ पे फिट हो जाएगा यहाँ। तो कुल मिला के ये है, ये टूट चुका फ्रेम इसका, इसकी साइड की सपोर्ट भी टूट चुकी। बहरहाल इसे मुझे चालू करना है, और उसके बाद ही देखना क्या होगा, किस तरह से ये काम करना है। इसका ये पिछला जो मरकाज कहा जाता है सपोर्ट के लिए, पीछे से कूड़ा कचरा न फेंके उसके। आइए देखते हैं हमारी गाड़ी कैसे चलती है, अगली वीडियो में हम आपको गाड़ी दिखाएंगे, और जो कमी बाकी रहेगी वो कमी दूर करेंगे। वो इसलिए आप ये सामने देख रहे हैं, एक स्कूटी की रिपेयरिंग हो रही है, और रिपेयरिंग करने वाले जनाब एजाज अली साहब हैं, बुलंद संदेश के। जी हाँ, संपादक जी, चीफ एडिटर साहब, बुलंद संदेश के संपादक नहीं हैं, दिल्ली से ब्यूरो चीफ हैं, दिल्ली से ब्यूरो चीफ हैं। ये क्या बता रहे हैं जी, क्या हो रहा है इसमें? ये स्कूटी की तार कटी हुई थी सारी की सारी जी, इलेक्ट्रिक स्कूटी की। पीछे से अगला भी हमारे पास जो वीडियो हमने बनाई है वो भी है, और दूसरा ये अब हम जो है MCB लगा रहे हैं इसमें, तो MCB लगाने के लिए तार थोड़ा छोटा पड़ गया, लंबा कर रहा है। इसमें हमने 48 वोल्टेज की बैटरी लगाई है, पहले इसमें जो बैटरी थी वो एसिड बैटरी थी, यानी कि जो ब्लैक वाली आती है 12-12 वोल्ट की, तो वे बैटरी लगी हुई थी। अब इसमें हमने 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी फिट कर दी है। 48 वोल्ट को फॉल्ट तो होने की संभावना नहीं है? फॉल्ट तो किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन इसमें कोई फालतू वाला मामला नहीं है। इसमें जो होता है बैटरी में जो आग लगती है उसका कारण ये होता है कि उसमें BMS होता है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का है काम है कि हर सेल से वोल्टेज बराबर देना, और जब चार्जिंग करेगा तो सभी सेलों को वोल्टेज बराबर देगा चार्जिंग करेगा, तो ये काम होता है। अगर BMS नहीं होता, उसकी सपोर्ट नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं होता, तो ये बैटरी में फॉल्ट हो जाता और बैटरी में आग लग जाती है। गाड़ी में आग लगने का कारण ये है, बड़ी से बड़ी गाड़ी में आग लग रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली सरकार ने EV गाड़ी तो शुरू की है, लेकिन उसमें वे न होने के कारण फिटनेस में सिर्फ बॉडी चेक करता है प्रशासन। तो इसमें प्रशासन को चाहिए, ट्रांसपोर्ट विभाग को, कि इलेक्ट्रिक बैटरी के गाड़ी के अंदर जो कस्टमर को कंपनी ठग रही है, तो वह है BMS ना लगाना। और कारण जो है आग लगने का यही है कि BMS ना होना। BMS जिस गाड़ी में लगा होगा उसमें जो है आग नहीं लगेगी जल्दी से। वैसे तो ये कौन सा पार्ट्स है, कौन सा जो आप ये रिपेयर कर रहे हैं? ये जो है MCB है, मैनुअल सर्किट ब्रेकर कहा जाता है इसको। इसकी फुल फॉर्म जो है मैनुअल सर्किट ब्रेकर है जी। इसे MCB कहा जाता है शॉर्टकट में, और ये हम सीट में नीचे लगाएंगे अपनी,
ये सेफ्टी के लिए होता है जी, सेफ्टी के लिए। जब भी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर कोई तार शॉर्ट सर्किट होता है तो ये उस टाइम पे जो है कट कर जाता है। तीसरा ये है कि हमें बैटरी ज़्यादा कोई चालू ना करे जब तक सीट नहीं खुलेगी, ऑन ऑफ नहीं होगा, तो इसके लिए हमने ऑन ऑफ का सिस्टम ये लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं ये हमने ऑन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और ऑन कर दिया, अभी ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ से। इसका मैंने कनेक्टर नहीं लगाया, आपको मैं कनेक्टर लगा के दिखा देता हूँ। ये कनेक्टर लग गया है इसका, ओके। अब यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे तो मीटर इसका ऑन हो जाएगा। ये देखिए आप, मीटर ऑन हो गया है और यहाँ से ये बटन चालू हो गया है। ये यहाँ से है, ये इसका एक्सीलेटर है, ये मोटर स्टार्ट करता है। अभी मोटर स्टार्ट नहीं कर रहा, तार हटा रखे हमने, ठीक है, ओके। बाद में अभी कितना टाइम और लगता है, लगेगा इसमें? इसमें अभी थोड़ा सा टाइम ये लगेगा कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ अभी, बस ओके हो जाएगा। लाइट से इसकी बैटरी दिखाएं एक बार जी, कितनी लिथियम वगैरह की है, कौन सी बैटरी है? 48 वोल्टेज बैटरी है इसकी जी, ये वाली बैटरी, ओके। चलिए इसके बाद अगला भाग दिखाएंगे आपको।